अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के पावरफुल वज़ाइफ में से एक ऐसा सबक के जो बड़ा ही कमाल और कुरानी वजीफ़ा भी कह सकते हैं कि कुरान से साबित है, और यूं कहें कि ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है ना ये, जैसे एक मिसाल दी जाती है ना कि ज़मीन ऊपर चली जाए और आसमान नीचे आ जाए तब भी ये वजीफ़ा फेल नहीं हो सकता, यानी ऐसा पावरफुल वजीफ़ा, बड़ा ही मुजर्रब और गारंटी शुदा वजीफ़ा है। इसका नाम रखा है कि ऐसी परेशानी जिससे निकलना नामुमकिन हो तब ये वजीफ़ा करें, और ऐसा वाकई है ही ऐसा कि ऐसी दलदल में फंस चुके हैं, ऐसी परेशानी में फंस चुके हैं कि जिससे निकलना नामुमकिन हो चुका है, तो ये वजीफ़ा नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। एक ऐसी अहम पावरफुल वजीफ़ा है रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से। याद रखिएगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए ना, अल्लाह का कुरान फरमाता है सतारवा पारा कि जनाबे अली रात के अंधेरे, फिर जनाबे अली समुद्रों की तह के अंधेरे, फिर समुद्रों की तह में मछलियों के अंधेरे, जुलुमात का लफ्ज़ आया, जम्मा का सीगा आया, उसका मतलब ही यही बनता है कि रात के अंधेरे जुलुमात बहुत सारे अंधेरे, मतलब रात के अंधेरे, फिर समुंदर की तह का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा। इस अंधेरों में फंस कर और जब ऐसे मुश्किलात आ जाएं कि जिससे बचना नामुमकिन होता है, तो फिर ऐसे हालात में आप दुनिया में भी आए, कोई इंसान ऐसे मुश्किलात में फंस जाता है कि जिसका निकलना नामुमकिन होता है, वो भी आदमी इस वजीफे को कर सकता है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए थे, और ये भी आदमी ऐसे हालात से अगर कहीं नामुमकिन हो निकलना, तो ये भी इसके लिए भी मुमकिन है निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। याद रखिएगा वो नबी थे, उन पर एक इम्तिहान था, और आजमाइशें मोमनों पर आती हैं, मुश्किलात मोमनों पर आते हैं। अच्छा इंसान वही है, नबी के रास्ते पर चलने वाला इंसान वही है कि जो इन मुश्किलात को बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से उनका सामना करे। तो मैं इस वजीफे की तरफ चलता हूं कि आज भी कोई अगर ऐसी मुश्किल में है कि जिससे निकलना उसका मुश्किल हो, तो फिर इस वजीफा को सुबह शाम करे 313 मरतबा, 313 मरतबा सुबह और 313 मरतबा शाम को करें। लेकिन नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तैयबा और 11 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ें, और आयत करीमा 313 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है, सुबह भी पढ़नी है और शाम भी पढ़नी है। इससे अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें ना पढ़ें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब पढ़नी है आयत करीमा, फिर पढ़ने का अंदाज और तरीकाकार यह है कि अत्तहियात की हालत में बैठें, अत्तहियात की हालत में, और आंखें बंद कर दें, बस ऐसा ख्याल आपका हो कि मैं अपने रब की बारगाह में झुक कर बैठा हूं और दुनिया से मुनकते हो चुका हूं, बिल्कुल उसका दिल अपने रब की बारगाह में झुका हुआ हो, और दिल से गिड़ गिड़ा कर आयत करीमा पढ़ रहा हो और अपना मकसद जहन में ख्याल रखे हुए हो, और पहले मकसद यह रखे कि मौला मेरी जो भी मुझसे गुनाह हुए माफ फरमा, मुझे इन गुनाहों की दल दल से निकाल दे, और ऐसे ख्याल करे कि आंखें बंद करे और अत्तयाद की हालत में बैठकर बस अपने रब की बारगाह में बैठा है, कोई दुनिया का और ख्याल ना हो, तो मौला करीम करम फरमाएगा इंशाअल्लाह अल अजीज को गुनाहों की दलदल से निकालेगा। और फिर अगर और कोई ऐसा मकसद है
जिससे ये निकलना चाहता है, तो उस मकसद को सामने रखे। और हालत यही होनी चाहिए, अत्तहियात की हालत में बैठे, आंखें बंद कर दे, बस अपने रब की बारगाह में ही झुका रहे और आयत करीमा पढ़ते रहे और अपने मकसद को जहन में रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज चंद दिनों में ऐसे हालात इसके बदलेंगे, ऐसे हालात इंशाअल्लाह अज़ीज ये देखता ही रह जाएगा और इसके अटके हुए काम ऐसे जनाब अली गैबाना तौर मदद के ऊपर जनाब अली इसके हल होंगे कि ये खुद जहन ही परेशान हो जाएगा कि यार कैसे ये हल हुए हैं। इसके जहन में ख्याल तक ही नहीं होगा कि जिससे गैबी मदद इसके पास पहुंचेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर सुन ले, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। 313 मरतबा सुबह और 313 मरतबा शाम, और पढ़ने का तरीका जो मैंने बताया, तयात की हालत में बैठ कर आँखें बंद कर दे और रब की बारगाह में झुक रहे और फिर इस आयत को पढ़े और अपने मकसद का ख्याल रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज नामुमकिन काम होगा वो भी मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।